मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेकर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन का, जो कि GNM फर्स्ट ईयर में है, MCQ पार्ट वन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा जो भी क्वेश्चन होगा। देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट ला रहा हूँ, सेकेंड पार्ट इसका लाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम लोग फिलअप में चलेंगे, ट्रू फॉल्स में चलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम तक 1-1.5 महीने जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करेंगे। सब्जेक्टिव चूँकि हम लोग करा चुके हैं, ठीक है, 22 से 23 के लिए, तो जितने भी लोग हैं आप लोग पढ़िए और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत निम्न कार्यकर्ता कार्य करते हैं। कौन कार्यकर्ता काम करते हैं? ANM, आंगनवाड़ी वर्कर, सेनेटरी इंस्पेक्टर, LHV। तो ICDS स्कीम के तहत जो कार्यकर्ता काम करती है वो है आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, बीमारी होने से पहले किए गए रोकथाम के उपाय क्या कहलाते हैं? मतलब कोई व्यक्ति या किसी लेवल पर, ठीक है, बीमारी होने से पहले ही अगर उसे रोकथाम करने का प्रयास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सियरी रिहेबिलिटेशन। तो उसे हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम कहते हैं। ठीक है, जो बीमारी होने से पहले ही किया जाता है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो आपको पता है विटामिन बी और सी को छोड़कर सब वसा में घुलनशील है। विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील पूछ रहा है, तो विटामिन बी सी हटा दीजिए तो बच जाएगा अपने पास विटामिन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे, भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य है प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइड करना, वृद्धि और विकास का काम, ठीक है, टेस्ट को ऐड करना और वेट को इंक्रीज करना। तो प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी समुदाय में अचानक से किसी बीमारी के केसेज में अत्यधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एपिडेमिक, बी है इंडेमिक, सी है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक तो महामारी हो जाएगा, इंडेमिक स्थानिक मारिक हो जाएगा, और किसी प्रॉपर स्थान में, लेकिन यहाँ पे किसी समुदाय के बात कर रहा है, अचानक से केसेज में वृद्धि होना एपिडेमिक कहलाता है, महामारी कहलाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना JSY का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, इनमें से सभी। तो JSY के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है, विश्व एड दिवस मनाया जाता है 1 मई, 2 अप्रैल, 1 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर। ठीक है, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले कमेंट कीजिए, क्वेश्चन मात्र देखिए और कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ हम पहले से कितना जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उस पर फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, आगे चलिए, कहता है लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई? मतलब सबसे नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2000 में, 2005 में, 2007 में, 2017 में। तो अभी लेटेस्ट 2017 में घोषणा किया गया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ या प्रोग्राम 1990, 1997, 1992, 2007। तो राइट आंसर क्या होगा? 1997 में घोषणा, सॉरी, लॉन्च किया गया। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP, ठीक है, UIP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 1992, 1985, 1993, 2012। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन बी, 1985 में जो लॉन्च किया गया। आगे क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय लंदन, जेनीवा, न्यूयॉर्क, हेग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है अपना कहाँ पे? मैं बता दूँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैदानी क्षेत्रों में एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना डैश पर की जाती है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो PHC किया जाता है स्थापना, एक PHC 20,000, 30,000, 40,000, 80,000। तो आप लोगों को पढ़ाए हैं PHC मैदानी क्षेत्र में रहेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में 20,000, आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में यही चीज़ें आपके 30,000 के जनसंख्या पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी के नाम से किससे जाना जाता है? भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्ढा कमेटी और जंगलवाला कमेटी। तो राइट आंसर होगा भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, यहाँ पे नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में निम्न रोग की रोकथाम या नियंत्रण किया जाता है, कौन रोग का? सबसे पहले समझिए वेक्टर बोन डिजीज, तो जितना भी देखते होइएगा मक्खी मच्छर वाला जो रोग होता है ना, वो वेक्टर बोन डिजीज होता है, ठीक है। तो मलेरिया, डेंगू, कालाजार, तो इनमें सभी जो है मक्खी या मच्छर के काटने से ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी वेक्टर में तीनों आ जाएगा, ओके। आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो है किया गया, देखिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल है, ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा लिखाया है, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल है, कौन शामिल है? IPV, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, इनमें से सभी। तो देखिए भारत सरकार के जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें IPV भी शामिल है, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी शामिल है, रोटा वायरस भी शामिल है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावायलेट वैक्सीन इसके सिवाय 5 बीमारी के विरुद्ध कार्य करता है, कहने का इसका मतलब है क्वेश्चन का कि इनमें से एक ऐसा है जिसके विरुद्ध पेंटावायलेट वैक्सीन काम नहीं करता है, इसके सिवाय बाकी 5 पर काम करता है, तो 5 तो नाम नहीं होगा, देख लीजिए, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, मीजल्स, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब होता यह है कि इसमें मीजल्स के विरुद्ध ये काम नहीं करता है, ठीक है, मिजल्स का आपका MMR का टीका आता है, पता है आपको, ठीक है, तो मिजल्स के विरुद्ध ये काम नहीं करेगा, बाकी डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, इसके विरुद्ध ये काम करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन कितना अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है ना, 300 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी, तो राइट आंसर क्या होगा, 550 किलो कैलोरी, गर्भ के दौरान जो है महिला के ज़्यादा ये चीज़ें आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे सेनेटरी लैट्रिन निम्न के सिवाय है, ठीक है, सेनेटरी लैट्रिन जो है, लैट्रिन जो बनता है सेनेटरी वाला, इनमें से एक के छोड़कर सिवाय सब एक टाइप है सेनेटरी लैट्रिन का, RCA टाइप, PRA टाइप, बोरहोल टाइप, पेनल टाइप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेनेटरी लैट्रिन जो होगा यह तीनों तो है सेनेटरी लैट्रिन का टाइप, बट ए वाला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कहता है इसके सिवाय सभी जल जनित बीमारी है, मतलब इसके सिवाय सभी जल जनित है, मतलब एक ऐसा होगा जो जल जनित नहीं है, बाकी सब जो है जल जनित है, ठीक है। टाइफाइड फीवर हो गया यहाँ पे आपका, MOBSIS हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियोमेलाइटिस हो गया, ठीक है। तो आपके जल जनित बीमारी में मलेरिया नहीं होगा, सी कट जाएगा, बाकी MABSIS, पोलियोमेलाइटिस और टाइफाइड जल जनित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसी कौन सी है, नेशनल लेवल का पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो इंटरनेशनल है, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, ये तो शिक्षण संस्थान है नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, ये राइट होगा केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, निम्न में से कौन सा दो तरह का संचार नहीं है, मतलब दो तरह का कम्युनिकेशन कौन नहीं है, समूह चर्चा, संगोष्ठी, रोल प्लेइंग, पैनल चर्चा। तो रोल प्लेइंग जो है यह भूमिका वाला होता है, यह कम्युनिकेशन का जो संचार नहीं है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, कृमि नाशक कार्यक्रम में एल्बेंडाजोल की 6 वर्षीय बच्चे के लिए खुराक है, ठीक है, तो कृमि नाशक जो कार्यक्रम है उसमें एल्बेंडाजोल जो दिया जाता है, तो एक 6 वर्षीय बच्चा को डोज कितना दिया जाता है, 300 mg, 500 mg, 800 mg, 400 mg, कितना दिया जाता है, 400 mg, ठीक है, जो कीड़ा मारता है एल्बेंडाजोल, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है, पता है, बता दिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है, वही जो मैंने बताया, हैजा, टाइफाइड, TB, मलेरिया, तो इसमें जो है मलेरिया आपका वेक्टर जनित बीमारी है, बाकी ये तीनों वेक्टर जनित बीमारी नहीं है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से बिंदु संक्रमण से फैलने वाला रोग है, यानी ड्रॉपलेट संक्रमण से कौन फैलता है। और आपको पता है ड्रॉपलेट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं। COVID-19, एड्स, मलेरिया, कोलेरा। तो ड्रॉपलेट छींक, खांस, थूक, ये सब के छींटा से कौन होगा? COVID-19 होगा, एड्स तो होगा नहीं, मलेरिया होगा नहीं, कोलेरा होगा नहीं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है, मतलब कौन इसेंशियल एमिनो एसिड है? सिस्टाइटिन, ग्लूटेमिक एसिड, हिस्टिडिन एंड ग्लाइसिन। तो राइट आंसर जो होगा अपना एमिनो अम्ल जो आवश्यक है, ऑप्शन सी है, हिस्टिडिन। हिस्टिडिन एमिनो अम्ल आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है निम्न में से मच्छर जनित वायरल रोग कौन है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो है निम्न में से मच्छर जनित वायरल है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा। तो देखिए मच्छर जनित जो है वह आपका डेंगू, डेंगू मच्छर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं, देख लीजिए आप लोग, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का एक निर्धारक तत्व है? पर्यावरणीय कारक, वजन, व्यवहार, स्थान। तो आपको पता होगा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व एपिडेमियोलॉजी पढ़े हैं तो उसमें तीन होता है, पर्यावरणीय कारक, एक होता है होस्ट, ठीक है, पर्यावरण, एक होता है आपका कारक, ये तीन चीज़ें होता है, ठीक है। तो उसमें से पर्यावरणीय कारक एक राइट आंसर होगा। आगे है, कहता है निम्न में से कौन सा जीवी टीका नहीं है, जीवी टीका नहीं है, पोलियो, मिजल्स, BCG, DPT, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, DPT, ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि कोई मानव रोग विश्व के किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लार्ज रीजन पर, लार्ज वर्ल्ड पर अगर महामारी फैलती है तो उसे हम लोग पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजूटिक कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा महामारी, सॉरी वैश्विक महामारी, पैंडेमिक। अगर विश्व लेवल पर फैलता है तो उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है, वैश्विक महामारी, समझ गए। आगे चलते हैं, अब इस प्रकार से आपका आज का क्वेश्चन लास्ट हो गया, 30 क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से कराया, आपको ज़रूर अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।